हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। खाना मेरा बन चुका है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूरियाँ। आज है बसंत पंचमी। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो पूजा वगैरह हो गई है, वो आपने क्लिप देखी ली है। और जो आज मैंने खाना बनाया है वो शेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी। सिंपल ही थी, तो ऐसा कुछ था नहीं। और बसंत पंचमी के दिन बनते हैं मीठे चावल, तो वो भी बनाए हैं। रेसिपी उसकी भी नहीं दे पाई सुबह सुबह जल्दी। थोड़ा सा ना मेरे याद ही नहीं रहा, दिमाग ही ना काम नहीं करता कभी कभी कि मीठे चावल की दे देती हूँ, तो वो बनाए हैं। और मैं साथ में बना रही हूँ पूरियाँ। तो बस अब मैं जो है पूरियाँ बना के सबको फटाफट से सर्व कर दूंगी जल्दी जल्दी। और इनको ऑफिस जाना है, फिर लेट हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने फिर कोई रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करी है। तो देखिए, ये है हमारी बसंत पंचमी स्पेशल आज की थाली। सिंपल है, सात्विक है, बिना प्याज की सब्जी है। और ये है मीठे चावल जो कि आज बनाए जाते हैं। माँ सरस्वती को भोग लगाया जाता है। आलू मटर की सिंपल सब्जी और रायता है, गाजर और हरा धनिया, इस तरह के जो है सब्जियां मैंने रायते में डाली हैं। बहुत टेस्टी बनता है। और गर्मा गर्म पूरियाँ, तो आइए आप लोग भी एंजॉय करिए। तो अभी आई थी मैं ऊपर, टावल वगैरह मैंने धुले हैं, मशीन में डाल दिए थे, तो वो टावल वगैरह सुखाने के लिए आई थी। दो दिन में धूप निकली है आज, तो धूप बहुत ही अच्छी निकली है। खैर, बसंत पंचमी के दिन ना मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, ब्राइट वाला मौसम है, बहुत ही बढ़िया धूप है, हवा है, लेकिन ठंड है। धूप में तो नहीं है, लेकिन छाँव में बहुत ज़्यादा ठंड है। दो दिन के बाद आज बारिश बंद होके अच्छा मौसम हुआ है। और अब तो लेट ही हो रहा है काफ़ी, करीब 10:30 बज रहे हैं। खाना पीना हो गया था, बर्तन वगैरह किचन अभी ऐसे ही पड़े हैं। मेरा ज़्यादा काम नहीं हुआ, मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, वीडियो में वॉइस ओवर किया था, तो बस फिर मैं बैठी रही। मेरी तबीयत ख़राब है, और तबीयत कोई बुखार नहीं है, जुकाम नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे पेट में प्रॉब्लम चल रही है कई दिनों से, मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। दो दिन से मैं शॉप पर भी नहीं गई, तो इस वजह से आज मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मन नहीं हो रहा है कुछ भी, तो करना तो सारा काम पड़ता है, लेकिन बस वही है कि रिकॉर्ड करने का मन नहीं था। तो अब मैं बस बर्तन करती हूँ, किचन करती हूँ, पोछा स्प्रे लगा देगा, और लगाएगा लगा देगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मंदिर में और किचन में मैंने सुबह लगा लिया था, पूरे घर में नहीं लगा। कपड़े मैंने फिर से डाल दिए मशीन में, टॉवल वगैरह निकाल के, क्योंकि आज कपड़े भी धुलने हैं। पर उसमें तो मुझे कुछ नहीं करना, कपड़े धुल जाएंगे, धूप अच्छी है, सूख जाएंगे। और दो दिन हो गए हैं शॉप पे जाए, मुझे आज थोड़ी देर के लिए शॉप पे भी जाना है, और मुझे जाना है डॉक्टर के पास। आज मुझे चेकअप ज़रूर कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पेट कुछ अजीब तरीके का हो रहा है। हल्का हल्का मेरे जो है क्या बोलूँ, चेस्ट के एकदम नीचे, हाथों के नीचे एकदम, जो मतलब एकदम बीच वाला हिस्सा होता है ना, तो वहाँ पे हल्का हल्का दर्द है। क्या बोलते हैं हम तो, कालजा बोलते हैं हमारे यहाँ तो उसको। ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, लेकिन दो तीन दिन से ना कुछ खा पी नहीं रही हूँ ढंग से। मैं बहुत मुश्किल हल्का फुल्का खा रही हूँ, और बन रहा है ऐसा खाना, पर मैं खा नहीं रही हूँ। तो ये आएंगे, जब भी आएंगे पहले मैं शॉप पे जाऊँगी, और फिर वहीं से मैं जो है डॉक्टर के पास जाऊँगी चेकअप के लिए। तो बस अब मैं चलती हूँ नीचे। मौसम देखिए, धूप बड़ी प्यारी है, कपड़े सूख जाएंगे आज। अभी धुलने डाल रखे हैं, वो डाल दूँगी, इनको उतार दूँगी, टॉवल वगैरह सूख जाएंगे। तो हम चलते हैं नीचे। अब हंस तो जाएगा शॉप पे, और श्री गया है अपने फ्रेंड के घर, कहीं बसंत पंचमी का जो है प्रोग्राम वगैरह हो रहा होगा, तो वो वहाँ गया है। और अभी मेरी किचन की हालत देखिए, दो दो मेरे कुकर पड़े हुए हैं, कढ़ाई वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अब मैं ये किचन की हालत समेटती हूँ, और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
हाँ जी, हम आ गए हैं हॉस्पिटल से और वहाँ पे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि कोई रोक टोक करने लगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हॉस्पिटल में हमें काफ़ी टाइम लग गया, करीब 2 घंटे तो लग ही गए होंगे। किस टाइम गए थे हम? हम 4:30 4:30 बजे आए हैं हम, और गए थे किस टाइम? शायद हम 2 बजे गए होंगे। 2 से 2 घंटे से भी ज़्यादा लग गए हैं, 2.5 घंटे लग गए हैं। तो इतना टाइम हमें लग गया है और टाइम अल्ट्रासाउंड में ज़्यादा लगा, डॉक्टर नहीं थे, गए हुए होंगे कहीं पे, तो काफ़ी लोग बैठे हुए थे अल्ट्रासाउंड के लिए। तो मुझे अभी टेस्ट वगैरह और भी कराने हैं, थायराइड का कराना पड़ेगा, तो अब ये धीरे धीरे करके थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि आज तो इतना टाइम नहीं था, 2.5 घंटे इनके लग गए हैं। ऑफिस से आए थे ये, बार बार कॉल आ रहे थे, तो ऐसा ही होता है, इनको ना बहुत कम टाइम मिलता है। तो ये तो ऑफिस चले गए थे मुझे छोड़ के एकदम से, अभी तो 4:45 हो रहे हैं, तो हो गए हैं 15-20 मिनट मुझे बैठे हुए। और अंश क्या है घर पे, मुझे थोड़ी भूख भी लग रही थी क्योंकि मैंने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, तो ठंड सी भी लग रही थी वहाँ हॉस्पिटल में बैठे बैठे। हालांकि आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप वाला, तो सब मिस हो गया आज, कुछ नहीं, ना ही घर पे रुक पाई और ना ही यहाँ पे कुछ हो पाया। तो अंश गया है घर पे चाय लेने के लिए, और अब आपको मैं दिखा दूँ कि अंश ने क्या हाल बना के रखा है जब तक मैं आई। ये देखिए मेरी जो काउंटर की हालत है वो तो आपने देख ही ली, इधर पड़ी है मेरी रिपोर्ट वगैरह, सब ऐसे ही फैला पड़ा है सब कुछ, ये देखिए। और ये देखिए पूरी शॉप का क्या हाल है, मैं 2 दिन नहीं आई। जहाँ आप देखोगे ना, ये पैक करने के कपड़े पड़े हैं यहाँ पे, इधर जो आपको चेयर पे दिखाई दे रहे हैं वो पैक करने के कपड़े हैं, उनमें कुछ मतलब कोई कवर है, बेडशीट है, कॉटन बेडशीट है, तो ये पैक भी होना है। तो मतलब ऐसी हालत हो जाती है अगर मैं 2 दिन शॉप पे ना आऊँ। पॉलिथीन आ रही है बीच में, तो अब थोड़ा सा रेस्ट हो गया है, अब मैं चाय पीने के बाद चाय लेके आ जाए अंश, फिर ये जो है सब समेटना शुरू करूँगी। शॉप से आने के बाद फिर मैंने खाना पीना किया, लेकिन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं किया क्योंकि खाना बिल्कुल एकदम सिंपल बना था। सुबह की सब्जी रखी थी आलू मटर की, और बनाई थी काली दाल, जो उड़द की काली दाल होती है वो, और रोटी। तो खाना बिल्कुल सिंपल था, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब ये भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, तो अब आपको रिपोर्ट बता देते हैं कि क्या आया है। वो तो पता लग ही गया था आपको कि हॉस्पिटल गए थे, लेकिन फिर मेरे कस्टमर आ गए थे तो वहाँ पे मैं बात नहीं कर पाई, तो बस फिर मैंने चलिए घर जाके आपसे मिलती हूँ और वहीं पे आपको कुछ बताते हैं जो भी है। तो हाँ जी, हेलो, राम राम जी, कैसे हैं जी आप सब? इन्हें भी बता दिया करो कभी कभी, तो मुझे तो बता देते हो आप, क्योंकि इनका मिलना ईद का चांद। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। फर्स्ट क्लास है एकदम सब, बस भगवान से यही प्रार्थना है सब ठीक ठाक रहे, भले चंगे रहे। और हाँ, बसंत पंचमी की आपको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, आज बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी के दिन आज बहुत अच्छा हुआ है। वो तो आपको पहले मैंने सुबह दिखाई दिया, लेकिन आज अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, काफी मतलब गर्माहट रही दिन में, है कि नहीं? काफी नहीं, बहुत बढ़िया। तो रिपोर्ट के बारे में बता देते हैं, कल का मौसम देखते हुए आज का नहीं उम्मीद थी कि इतना एकदम बहुत ज्यादा अच्छा निकलेगा, लेकिन बिल्कुल क्लियर दिन था। और आज जैसे हम गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि काफ़ी दिन से ये बता रही है कि प्रॉब्लम है, मैंने कहा चलो आज हॉस्पिटल चलते ही हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी था ऑफिस के, उसमें उनकी कई दिनों से बहुत हालत ख़राब थी, क्योंकि कॉर्पोरेट से मेरे कुछ आए हुए थे CA वगैरह, उनके साथ वही मीटिंग और वो सारी चीज़ें चल रही थी, इसलिए मुझे टाइम मिल ही नहीं पाया। तो कल मैं फिर सडनली अपने वहाँ कंपनी से लेके गेट पास आया, मैंने कहा आज तो दिखा के आता ही, तो इन्हें वो लेके गए थे हम रूपानंद हॉस्पिटल, काफ़ी बड़ा और अच्छा हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे जैसे ही डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला वैसे तो पेट में हो सकता है कि सर्दी का भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा फिर भी हम एक अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड में एक नई चीज़ निकल के आई जो अभी तक हमें उम्मीद नहीं थी, इनके गॉल ब्लैडर में निकली है स्टोन, और साइज जैसे उसमें रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड में आया है कि 16 mm, तो 16 mm ज़्यादा छोटा भी नहीं है लेकिन अच्छा है। अच्छा, नहीं, बड़ा ठीक ठाक बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा। और
मुझे ना अफसोस इस बात का हुआ एकदम से, एकदम मतलब इनको भी और मुझे भी, क्योंकि जब कोई स्टोन पनपना शुरू होता है तो हल्का हल्का पेन शुरू होता है, या किसी को बहुत ज़्यादा भी होता है, मुझे कुछ नहीं हुआ आज तक, कोई पेन नहीं है स्टोन का, कोई भी मुझे कुछ भी महसूस नहीं है। और वो तो हम कराने ही नहीं गए थे, मतलब गई थी मैं जो मुझे थोड़ा चेस्ट के नीचे पेन हो रहा था उसको कराने के लिए, तो उसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही कई दिनों से, पर देखो क्या से क्या निकला, सोचा था क्या और निकला क्या, वही हुआ वो खोदा पाड़ निकली चुहिया करने गए थे, चुहिया नहीं वहां तो पूरा पड़ा चूहा निकला। तो डॉक्टर ने तो सजेस्ट वैसे तो ऑपरेशन के लिए किया है, बाकी अभी देखते हैं कुछ दिन, क्योंकि एकदम अभी ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर भी नहीं है, और फिर एक दो और डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद ही किसी डिस्कस पे नतीजे पे पहुंचेंगे। और फिर वो है कि ऑपरेशन चलिए हम करा भी लें, तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने ही बोला है कि उससे एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि पित्त की थैली पूरी निकलेगी जहाँ पित्त जो है इकट्ठा होता है जो भी होता होगा, तो फिर उससे क्या है कि ऊपर ना पित्त बनना मतलब एसिडिटी बनना काफ़ी शुरू हो जाती है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगे है। तो मुझे सर्जरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक तो प्रॉब्लम ये है कि जो डॉक्टर ने बताया कि एसिड और ज़्यादा बनेगा, और मुझे वैसे ही गैस की प्रॉब्लम रहती है हमेशा, तो फिर दूसरी सबसे बड़ी जो मेन है कि ऑपरेशन में कुछ थोड़ा बहुत तो रेस्ट चाहिएगा ना, तो वो कौन करेगा, वो रेस्ट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कोई नहीं है ऐसा मतलब कि जो कुछ टाइम निकाल सके अभी तो, और वैसे भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है कुछ भी, तो अभी इसको तो हम पोस्टपोन करेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे इसके बारे में। बाकी जो मैं दिखाने के लिए गई थी, चेक कराने के लिए गई थी, उसकी दवाई आ गई है, बस उसमें थोड़ा बहुत जो है आराम मिले, और हाँ वो भी बताओ स्लीपर। और अगर आगे कभी बनता भी है हमारा सर्जरी का प्रोग्राम, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कौन आ सकता है आप में से हेल्प के लिए। आप लोग वो क्यों आएंगे भाई, अपने रिलेटिव को बोलो आप करो, आपका काम करती हूँ मैं। नहीं ये भी हमारी फैमिली है सारी, फैमिली तो है लेकिन उनकी अपनी फैमिली है, फैमिली तो। और दूसरी चीज जो निकल के आई है रिपोर्ट में, वो आई है इनका लीवर थोड़ा सा उस पर फैट थोड़ा सा मतलब ज्यादा आया, तो मतलब फैट मतलब फैटी लीवर का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर फैट चढ़ा हुआ है, फैट तो एक अलग चीज हो गया, वो फैला हुआ है, मतलब जो आकार है लीवर का वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो उसके लिए डॉक्टर ने वही बोला कि थोड़ा सा वॉकिंग और क्या नाम अगर कर सके एक्सरसाइज और थोड़ा सा, और खाने का ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन बोला है कि कोशिश कीजिए ज्यादा लिक्विड डाइट लीजिए, ज्यादा सॉलिड नहीं। तो बाकी कुछ दिन की अभी जैसे दवाई दी है उससे देखते हैं कितना रिलीफ मिलता। तो जी हमारी रिपोर्ट में निकला जो सोचा था वो कुछ नहीं निकला, और जो नहीं सोचा था वो सब कुछ निकला, तो यही है बस डॉक्टर के पास एक बार ना जाए ना, जब तक ना जाए मतलब, तो तब तक शांति है। अगर हम एक बार चेकअप के लिए चले गए कुछ ना कुछ तो आएगा ही, नॉर्मल तो आता नहीं है, बस नॉर्मल तो कोई बंदा होगा कि हाँ है, कुछ ना कुछ आना ही है। फिर भी डॉक्टर को दिखा लेना इसलिए बेटर होता है कि मान लिया कोई चीज़ अगर ऐसी है जो आगे जाके गंभीर रूप ले सकती है, तो उसका थोड़ा प्रिकॉशन पहले से हम ले सकते हैं। बस यही है, एक तो थोड़ा ना वेट मेरा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा वेट बहुत ज्यादा बढ़ थोड़ा नहीं मतलब ज्यादा बढ़ रहा है, काफी गेन कर लिया वेट जितना नहीं होना चाहिए। और वो अब देखिए काम तो करती हूँ, घर पे भी करती हूँ, पर जब घर पे पूरा दिन रहती थी तो काम में से काम निकलता था, तो और ज्यादा काम मतलब करती थी। अब क्या होता है जल्दी जल्दी काम किया, फटाफट किया, कुछ बच्चे हेल्प करते हैं, और सर्दी में होता भी काम कम ही है, और खाना पीना थोड़ा तरीका चेंज रहता है सर्दी का। हालांकि मैं नहीं खाती हूँ तला भुना, ये बैठे हैं मैं नहीं खाती, पराठे बैठे कुछ भी नहीं खाती मैं, ओली बहुत कम खाती हूँ, ये तो खाते ही नहीं है, मैं भी नहीं खाती, लेकिन बच्चे हैं पापा हैं उनको सूट करता है तो उनके लिए मैं बनाती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब बनाया तो हम भी वही खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तक तो जैसे मौसम ज़्यादा सर्दी का था, लेकिन अब आगे आगे जैसे मौसम ठीक हो रहा है, तो मैं तो इन्हें यही सलाह दूंगा कि ये पैदल अपना दुकान पे आए जाए। दिन ये मुझे सलाह देंगे, आपको कौन देगा? दिन में दो तीन चक्कर अपना पैदल लगाओ वहां तक, आपको कौन देगा? नहीं मैं भी शुरू करूंगा। तो अब हम जो है थोड़ा बहुत शुरू करेंगे, अब ये मेरे लिए भी वॉकिंग बहुत जरूरी है, तो आपके लिए जरूरी हुई। इनको बोल दे पूरी सर्दी हो गई, सब कुछ छोड़ रखा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कुछ नहीं, बस सोते हैं और कुछ नहीं।
और मेरा ये भी हो गया ना, हाँ वो बात अधूरी रह गई थी कि मैं अब शॉप पे जाने लगी तो वहाँ पे भी मेरा बैठना या खड़े होना कोई ऐसा भारी काम नहीं है, मतलब झुकना या मतलब जिसमें कुछ एक्सरसाइज हो, घर में पोछा लगता था, आप लोग बोलते हो ना हेल्पर रख लो, तो मेरा तो हालत खराब हो जाएगी अगर मैं बर्तन के लिए भी हेल्पर रख लूँ, क्योंकि पोछा मोप से लगता है आजकल, मोप से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें भी कभी मेरा बेटा लगा देता है कभी मैं लगा लेती हूँ, और उसमें मैं चाहे मैं ही लगाऊं डेली, उसमें कोई ज्यादा होता नहीं एक्सरसाइज। हाँ हम हाथ से पोछा लगाते थे, पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती थी, खासकर पेट की, पैरों की, और वही प्रॉब्लम कर रहे हैं। और दूसरी बात कपड़े, हेल्पर ही समझिए आप, जो फुली वाली मशीन मैंने ली थी फुली ऑटोमेटिक, तब से कुछ नहीं करना पड़ता, नहीं तो कपड़े भी मैं हाथ से पानी निकालना, झुक के ऊपर नीचे, मतलब उसमें भी काफी होता था एक्सरसाइज, तो ये दोनों काम तो हट गए हैं। और अब आप लोग बोलते हो ना कि शॉप पे जाने लगी तो बर्तन के लिए पोछे के लिए, ना बाबा ना, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि पोछा भी हाथ से ही लगाऊं, पर नहीं बैठा जाता है, नहीं लगाया जाता। फिर तो आने वाले टाइम में अगर हेल्प लो उसके लिए भी लगा लिया ना, फिर तो वजन एक कुंटल से ऊपर नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी, टेंशन मत लो, नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, ना ही मैं खा सकती हूँ उन बर्तनों में, ना ही मैं करवा सकती हूँ, उसके लिए भी देखिए टाइम देना पड़ता है। मेरा काम ऐसा, आज मैं 11 बजे शॉप पे चली गई, कल मैं 12 बजे चली गई, मेरा कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि मेरी शॉप है पास में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब ड्यूटी का काम है कि मेरा फिक्स है मुझे 10 बजे ही जाना है तो उससे पहले हेल्पर आ जाएगी, मेरा फिक्स नहीं होता कुछ भी, तो हेल्पर को भी ऐसा अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना, अपनी निगरानी में ही करवाना पड़ता है काम, तो इतना बड़ा तो है भी नहीं, कितने रूम है हमारे बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं है ऐसा ज्यादा, तो वो तो हम कर लेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा मैं शुरू करूंगी एक्सरसाइज वगैरह, और अभी थोड़ी सी ज्यादा सर्दी चल रही है ना, तो अभी ये भी नहीं जाते बाहर, मैं भी नहीं जाऊंगी अभी तो, अभी हमारी छत इतनी बड़ी है, सीढ़ियां हैं, तो मैं सीढ़ी भी नहीं चढ़ती, और तो मतलब जो कपड़े डालने जाऊंगी ना एक बार बस भी चढ़ती हूँ, और इनको तो मैं कब से बोलती हूँ आप सीढ़ियां चढ़ा करो, इनके ऑफिस में सीढ़ियां हैं लेकिन ये चढ़ते हैं, क्योंकि इनका ऑफिस ऊपर है ना, ऊपर है, नीचे आना पड़ता है आपको, हाँ तो वॉशरूम नीचे है, तो और चक्कर रहते हैं इनके, वहां पे तो लग ही जाते हैं, पर मेरा इतना नहीं होता, तो अब ये हम शुरू करने वाले हैं, तो चलिए जी देखते हैं जैसा होगा, बाकी आपको पता लग ही जाएगा। वैसे मैं ठीक ठाक हूँ, कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो मुझे है नहीं, लेकिन हाँ पेट की मुझे जरूर हो रही थी, उसमें हल्का हल्का जो है वो पेन चल रहा था ना कई दिनों से, ना मेरा खाने का मन था ना कुछ था, और मुझे लग रहा था कि बढ़ रहा है, मतलब मेरा पेट बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, फूल के रह हो रहा है, गैस से हो रहा है, क्या हो रहा है, बस वो उसकी दवाई मिली है, अब देखते हैं क्या होता है। तो बस इस वीडियो का एंड तो यहीं पे कर देते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो, हालांकि अच्छा कुछ था तो नहीं, पर फिर भी बोलूँगी एक लाइक जरूर कर दिया करें, लाइक नहीं करते हो आप वीडियो को तो लाइक जरूर कर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है, आपके एक लाइक से काफ़ी मैं मोटिवेट हो जाती हूँ, अच्छा लगता है, लाइक देखते हैं ना कि हाँ इतने लाइक आए हैं, व्यू देखते हैं, लाइक देखते हैं, तो लाइक जरूर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है। चलिए जी मिलेंगे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।